हेलो दोस्तों, तो प्रिय एमपी स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा दसवीं विषय विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर 2020-21। तो सबसे पहले देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है सही विकल्प। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो एलपीजी का दहन, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो हो जाएगा भोजन का पचना, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, तो वो दिया गया सोने एवं प्लेटिनियम को बनाने वाले अम्ल का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा एक वो लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग देने वाली पदार्थ कहलाती है अभिकारक। फिर है पाचन के समय पाचक रसायन का पीएच मान होता है, वो होता है 6.8, ठीक है। नेक्स्ट है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, आज में कौन सा हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, इसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम खाली स्थान का सोडा होता है, तो वो होता है खाने का सोडा, इसका यहाँ आंसर हो जाएगा। फिर सिक्रेट में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, यहाँ पर एसिटिक अम्ल इसका आंसर आ जाएगा। फिर धातु में प्रायः ऊष्मा व विद्युत की खाली स्थान होती हैं, तो जो झलक होती हैं। नेक्स्ट है, सर्वत्र क्रियाशील धातु खालिस्तान होती है, वह सोडा, ये खालिस्तान वाले क्वेश्चन हैं। पांचवा में, द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली वस्तु खालिस्तान होती है, तो वो पारा होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम तत्व मिला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर खालिस्तान में क्रोमियम तत्व मिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सही जोड़ियाँ हैं नेक्स्ट में, तो यहाँ पर देखते हैं सही जोड़ियाँ इसमें दी गई हैं कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु तो पारा होती है, ठीक है। धातुओं के खींचने का गुण कहलाता तन्यता। नेक्स्ट है, धातुओं को पीट कर चादर बनाने का गुण कहलाता आघातवर्धिनिता। तो यहाँ पर सभी जोड़ियाँ एक दूसरे के सामने लिखी हुई हैं। कंप की ऐसी धातु होती है सोना एवं चांदी। फिर है, कार्बन की संयोजकता वो होती है 4। फिर है, मोसले की आवर्त सारणी का जो आधार है वो है परमाणु क्रमांक, तो यहाँ पर आ जाएगा परमाणु क्रमांक डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, इसमें दिया गया एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। यहाँ पर ऑलरेडी सबका आंसर लिखा हुआ है। वायुमंडल में कार्बन किस रूप में उपस्थित होता है, तो वो था गैसीय अवस्था में। फिर है, खाना बनाते समय बर्तन की बाहरी सतह काली हो जाती है, बाहरी सतह काली हो जाती है क्यों, ठीक है। तो जब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है तब हो जाती है। फिर है नेक्स्ट, समूह 17 के तत्वों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तीसरा प्रश्न है, तो होता है हैलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाँचवा, जिसमें दिया है अष्टक नियम किसने प्रतिपादन किया, तो वो था न्यूलैंड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट पाँच में दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, वो है फ्लोरीन, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फिर है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2887 है, तब इस तत्व का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 10 और 7 17, तो ये तत्व का नाम आप 17 हो जाएगा परमाणु क्रमांक के हिसाब से क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन होता है परमाणु क्रमांक 17 का तत्व, तो हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट है हमारा खंडवा, जिसमें दिया गया है नोट 5 से 8 के प्रश्नों में से कोई दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कोई दो के आंसर आपके लिए लिखने हैं, ठीक है। तो ये आप प्रश्न अच्छे से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि फिर आगे के प्रश्न दिए गए हैं उनके लिए भी देखेंगे आप। फिर यहाँ पर है 14 से 18 में से कोई 3 प्रश्नों को करना है, ठीक है। तो ये रहे आपके प्रश्न, यहाँ देख सकते हैं इनको, फिर बाकी के प्रश्न दिखाए गए हैं इनके लिए देखिए और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कीजिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आशा करते हैं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू देखने के लिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।